मैं कथाओं में कहा करता हूँ कि मानव तन जो मिला है, पुण्य धर्म कर्म जो पूजा पाठ आप करते हो, इसके बदले भगवान से कुछ मांगना मत, इसके बदले कुछ भगवान से मत मांगना। जो भी पूजा पाठ करते हो उसके बाद क्या देना है ये भगवान के ऊपर छोड़ देना, तुम मत मांगना। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा तुम्हारी मांगने की जो सोच है वो छोटी है, प्रभु पर छोड़ दो, वो देंगे तो ज्यादा देंगे। एक माँ, ध्यान से सुनना, इस बात को समझना, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति वो होती है जिसमें पूजा पाठ भगवान को पाने के लिए किया जाता है, और सकाम भक्ति वो होती है जिसमें धर्म कर्म पूजा पाठ भगवान से पाने के लिए किया जाता है। तो भगवान से पाने वालों की संख्या ज्यादा है, भगवान को पाने वालों की कम है। यहां ऐसे कितने लोग हो जो भगवान को पाने के लिए आज तक भजन किए हो? हाथ उठाओ। भगवान से पाने वालों की संख्या ज्यादा है, सब चाहते हैं भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए। ध्यान से सुनना, निष्काम और सकाम भक्ति क्या होती है। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि आप अपने पूजा पाठ भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगना मत, अपना पुण्य नष्ट मत कर देना सांसारिक नाशवान वस्तुओं के लिए, सुख के लिए क्षणिक। क्या करना, ध्यान से सुनना, एक दृष्टांत से आपको समझा रहा हूं निष्काम सकाम भक्ति क्या है। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, बस आने में थोड़ी देर थी, तो माँ ने सोचा कि तब तक मैं बगल में दुकान है घर की गृहस्थी की कुछ सामान ले लूं। माँ चली गई अंदर, अपने जरूरत की वस्तुएं लेने लगी। बेटा खड़ा था, चॉकलेट की जो भरनी शीशी थी उस पर बेटे की नजर थी। दुकानदार ने देखा, दुकानदार ने कहा, बेटा तुमको चॉकलेट चाहिए ले लो, लेकिन उसने चॉकलेट नहीं ली। फिर उसने कहा दुकानदार ने, बेटा अगर तुमको चॉकलेट चाहिए तो ले लो, लेकिन उस बच्चे ने चॉकलेट ली नहीं। फिर माँ आ गई, माँ ने कहा, बेटा जब दुकानदार अंकल इतने प्यार से कह रहे हैं तो चॉकलेट तुम लेते क्यों नहीं, ले लो, लेकिन फिर भी बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली। अंत में थक हार कर वो दुकानदार ही खुद जब स्वयं भरनी खोल के चॉकलेट देने लगा तो इस बच्चे ने अपनी पूरी बैग खोल करके सामने कर दी, आई सिम भर दो। अब ले तो लिया, जब कुछ दूर वहां से आया माँ के साथ, माँ ने देखा कोई नहीं है आसपास, तो एक चाटा मारा इसको और कहा, क्यों तुमको इतना भी मर्यादा नहीं है, एक तो जब वो कह रहे थे तो तुम लिए नहीं, और जब वो देने लगे तो तुम्हारी धृष्टता तो देखो, तुमने पूरा बैग खोल दिया, वो दे रहे थे तो क्यों नहीं लिया तुमने। रोता हुआ वो उस बालक बच्चे ने कहा, मैया जब दुकानदार अंकल मुझे लेने के लिए कह रहे थे तो मैंने नहीं लिया, आपने भी मुझसे जब कहा ले लो तो मैंने चॉकलेट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैया मेरे हाथ बड़े छोटे हैं, मैं लूंगा तो थोड़े ही चॉकलेट आएंगे, लेकिन दुकानदार अंकल के हाथ मेरी हाथों की अपेक्षा बड़े हैं, वो जब देने लगे तब मैंने बैग खोल दिया। अर्थात मेरे आपकी मांगने की सोच और बुद्धि भगवान से बहुत छोटी है, तुम भगवान पर ही छोड़ दो कि आप ही दो, वो जब देंगे तो तुम्हारी आवश्यकता की चीजें 100 गुना बढ़ाकर दे देंगे, संसार भी बन जाएगा और करतार भी बन जाएगा।